मेरे बेटे तुम रुक जाओ, तुम हरगिज नहीं जाओगे। अल्लाह अल्लाह, कहा बेटे तुम हरगिज नहीं जाओगे। मुअर्रिखीन, तारीख लिखने वाले लिखते हैं, इमाम हुसैन ने इसलिए रोका क्योंकि इमाम जैनुल आबेदीन को बुखार था। तारीख में यही बात मिलती है, इमाम जैनुल आबेदीन को शदीद बुखार था। तो मैं पूछता हूं, बुखार की वजह से अगर रोके तो फिर वहां सेहतमंद कौन था, जिनके ऊपर ढाई दिन से तीन दिन से पानी बंद है, सहर पर सहर, इफ्तार पर इफ्तार, बगैर पानी बगैर खजूर के हो रही है, तीन दिन से जिनके ऊपर पानी बंद है, दरियाए फुरात से खतरा नहीं लिया दिया जा रहा है, कोई लाकर एक लुकमा जिनके हलक में नहीं डाल रहा है, जिनके बच्चों को पानी पिलाने के बजाय तीरे मारकर शहीद किया जा रहा है, सोचो कि वहां सेहतमंद कौन है। जिस बाप के सामने 72 लाशें रखे गए हो, क्या वो हुसैन सेहतमंद है? खुदा की कसम, वहां तो बीमार सब है, मगर हजरत इमाम हुसैन ने अगर बुखार का बहाना बनाकर जैनुल आबेदीन को रोका तो खुदा की कसम क्यों रोका? लोग कहते हैं बुखार था, मगर अहमद नक्शबंदी का ईमान कहता है बुखार का बहाना नहीं था, बल्कि हुसैन की नजर में कुछ और था। आप पूछे मौलाना क्या था, ये तारीख में आपको मिले या ना मिले, मगर मेरी बात है सुन लो। इमाम हुसैन कहना चाहते थे इसलिए रोका कि बेटा आप रुक जाओ। कहा बेटा आप जामे शहादत नहीं पियोगे। पूछा बाबा क्यों नहीं पियूंगा? कहा बेटा इसलिए, बेटा इसलिए हम जामे शहादत नोश कर रहे हैं, हम शहीद हो रहे हैं, तो जालिमों, पापियों, यजीदियों, शराबियों, जुआरियों से नाना के दीन को बचाने के लिए, नाना के दीन को बचाने के लिए हम शहीद हो रहे हैं। और बेटा तुमको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि हम जामे शहादत पिएंगे, नाना के दीन को बचाएंगे, और तुम्हें इसलिए रोक रहा हूं ताकि तुम रुक जाओगे तो नाना का दीन फैलाओगे। इमाम जैनुल आबेदीन ने पूछा बाबा जान मैं नाना का दीन कैसे फैलाऊंगा? कहा बेटे जैनुल आबेदीन अगर आप शहीद हो जाओगे तो सारी हमारी नस्ल यहीं पर खत्म हो जाएगी, हुसैन भी खत्म, हुसैन के बेटे भी खत्म, तो आले मोहम्मद सैयदों का सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा। कहा बेटा तुम रुक जाओ, मैं देख रहा हूं तुम्हारी नस्ल में आगे चलकर तुम्हारी औलाद में एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होगा, और बेटा जब वो हिंद की तरफ जाएगा तो एक दो चार को नहीं 90 लाख को कलमा पढ़ाएगा। बेटा तुम रुक जाओ, मैं देख रहा हूं तुम्हारी नस्ल में एक और बेटा पैदा होगा जिसका नाम निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही होगा। वो सिलसिले चिश्त का काम पूरी दुनिया में ऐसे करेगा जहां जाओगे नाना के नाम पर मचलने वाले नजर आएंगे। बेटा तुम रुक जाओ, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी नस्ल में एक और बेटा पैदा होगा, उसका नाम खुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होगा, एक और बेटा पैदा होगा उसका नाम फरीदुद्दीन गंजे शकर होगा, एक और बेटा पैदा होगा उसका नाम हजरत नसीरुद्दीन चिराग़े दहलवी होगा, एक और बेटा पैदा होगा उसका नाम बंदा नवाज होगा, एक और बेटा पैदा होगा उसका नाम कुछ और होगा, कुछ और होगा। इसलिए मुसलमानों तारीख उठा कर देखो, जितने औलिया अल्लाह है, जितने औलिया अल्लाह है, मुझे यह जुमला कहने दो कि 95% औलिया अल्लाह इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद में पैदा हुए हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद में औलिया अल्लाह पैदा हुए हैं।
और आज जितना दीन फैला है ये मौलवियों मुल्लाओं से नहीं, अल्लाह के वलियों से फैला हुआ है। आपकी शायद नजर नहीं है, एक जुमला बड़ा बता देता हूं, खुदा की कसम मैं दावे से कहता हूं आपके अब तक शायद ये जुमला नहीं सुना होगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सुनो दुर्ग वालों, इल्म का काम गैर सैयदों से लिया गया, फिखा का काम इमाम आजम अबू हनीफा से लिया गया, गैर सैयद हैं। इमाम शाफई से लिया गया, गैर सैयद हैं। इमाम हंबल से लिया गया, गैर सैयद हैं। इमाम मालिक से लिया गया, इमाम तहावी से लिया गया, गैर सैयद हैं। इमाम नसाई से तफसीर का काम लिया गया, इमाम बैजावी से काम लिया गया, इमाम जलालुद्दीन सयूती से लिया गया, इमाम गजाली से लिया गया, गैर सैयद है। हदीस का काम इमाम बुखारी से, इमाम मुस्लिम से, इमाम तिरमिजी से, इमाम इब्ने माजा, इमाम अबू दाऊद से लिया गया, गैर सैयद है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। शरीयत का काम, इल्म का काम, हदीसो फिका की तबलीग व इशाअत का काम गैर सैयदों से लिया गया, और काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाने का काम सैयदों से लिया गया है। और हर दौर में दीन बचाने का काम आले नबी औलादे अली से लिया गया है। आले नबी औलादे अली से लिया गया। जब जब इस्लाम पर बला आए, अली के बेटे सीना तान कर खड़े हुए, हुसैन की औलाद सीना तान कर खड़े हुई, कहने लगी जान दे देंगे मगर नाना के दीन पर आंच आने नहीं देंगे। दीन बचाने का काम, दीन फैलाने का काम, कलमा पढ़ाने का काम आले नबी औलादे अली से लिया गया। उलमा जितने बने 95% गैर सैयदों से दीन की इस तबलीगो इशाद का काम उलमा के जरिए लिया गया। लेकिन दीन बचाने, कलमा पढ़ाने, दीन को जिंदा रखने का काम वलियों से लिया गया, वलियों से लिया गया। आप पूरी दुनिया में जाइए, जहां कहीं वलीउल्लाह है शिजरा निकाल के देखिए, 95% औलिया अल्लाह अली की औलाद हैं, रसूल अल्लाह की आल में है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हम अहले बैत को छोड़ के कहां जाएंगे? आज जो कुछ भी है खुदा की कसम ये इनके सदके में है। अब दूसरी बात सुनो, सरकार इमाम हुसैन जब करबला आए तो मौला इमाम हसन के दो बच्चे भी इमाम हुसैन के साथ आए थे, वो भी शहीद हो गए करबला में, मगर आते वक्त अपने एक भतीजे को मदीने में छोड़ के आए थे। किसको? एक भतीजा, इमाम हुसैन का एक बेटा। इमाम हुसैन जब करबला आए, इराक को आए, तो अपने एक भतीजे को मदीने में छोड़ के आए, उनकी वालदा के पास, ये बोल के छोड़ के आए कि आप यहां रह रहे हैं, आपकी हिफाजत के लिए, आपके कामकाज के लिए एक बच्चा रहने दीजिए, एक बच्चे को रखे। उस बच्चे का नाम था इमाम अस्करी। क्या नाम था? इमाम। उनको छोड़ के आए मदीने में। इधर अब आए इमाम हसन के दो बच्चों को ला लिया, वो दोनों भी शहीद हो गए, इमाम हुसैन के बच्चे भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन के बच्चों में अब एक बच्चा बचा, इमाम जैनुल आबेदीन। हुसैनियों में एक बचा, जैनुल आबेदीन। हसनियों में एक बचा, अस्करी। अब ये इमाम अस्करी को इमाम हुसैन ने रुकाया, अपने 6 माह के बेटे को लाए, मगर वो बच्चे इमाम अस्करी को नहीं लाए। क्यों? इसलिए नहीं लाए कि मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, तू रुक जा, मैं देख रहा हूं तू बड़ा होगा, तेरी नस्ल होगी, तेरी औलाद में आगे चलकर एक बेटा पैदा होगा, वो कोई और नहीं, उस बेटे का नाम
شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی ہوگا. غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہیں، غریب نواز امام حسین کی اولاد ہیں، اور یہ دو سپوت اس دنیا کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو کافی ہے. سردار اولیاء غوث اعظم ہیں، سلطان اولیاء غریب نواز ہیں، اور پوری کائنات میں ولایت کا صدقہ خدا کی قسم غوث اعظم کے در سے غریب نواز کے در سے بٹتا ہے. یہ دو سپوت کافی ہیں پوری کائنات کے لیے. اب جتنے ولی ہیں وہ سب غوث اعظم کے صدقے میں ہیں، غریب نواز کے صدقے میں ہیں. یہ حسنی اور حسینی ہیں، امام حسین کی اولاد میں غریب نواز آئے، امام حسن کی اولاد میں غوث اعظم آئے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اگر سمجھے تو دین اتا ہے، نہیں سمجھے تو قصہ ختم، چپٹر کلو، چلتے پھرتے نظر اور جاؤ، قصہ ختم، سو جاؤ گھر میں جا کے لائٹ لو. اور یہ جاہل قوم علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتی، نہیں بیٹھ کے کیا کرتے، خالی وہ مسواک میں بڑے بڑے اونچے اونچے پیجامے، لمبے لمبے کرتے، داڑیوں میں، ٹوپیوں میں، اس میں چٹک جاتی، خالی سمجھتے دین اتا ہی چھے. شالاں اوڑ لینا، نئے نئے کاما کرنا، زیادہ ہی ضد پہ آ گئے تو 4 مہینے کو غائب ہو جانا، قصہ ختم. اب آپ کا نہیں، ان لوگ شالاں اوڑتے نہیں، اوڑتے نہیں معلوم، ہمارے پاس نیا شروع کرے، اب یوں 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 ڈال لے رہے ہیں، پھرا پھرا کے ڈال لے رہے ہیں، نئے نئے کاما شروع کر رہے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسائل کو سمجھو، لکیر کے فقیر مت بنو. اسلام ایک سمندر ہے، بلکہ سمندر سے بھی زیادہ ہے سمجھنے والے کے واسطے. دیکھو، ایک سمندر کے سامنے ایک آدمی ٹھہرا تو ایک سمندر، ایک دنیا ہے پوری. اندر گئے تو شارک ہے، ویل ہے، کھیکڑا ہے، کینچوا ہے، جھنگا بھی ہے، اندر ایک دنیا ہے پوری. نہیں ڈر گئے، کھارا پانی ہے رے بولے تو خس...